Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज हम पढ़ने जा रहे हैं यील्ड के बारे में. छोटा सा टॉपिक है ये हमारा. इस यील्ड की अगर बात की जाए कि ये होती क्या है, तो आसान ये है जैसे इसका मतलब नज़र आ रहा है, पैदावार. कि अगर हमने कोई चीज़ बनाई है, स्पेशली केमिस्ट्री में अगर हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो वह कितने बनाए अगर हमें पता लग जाते हैं तो उसको यील्ड कहते हैं. यील्ड हम दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. एक इस तरह से कि हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेंगे, और जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर काफ़ी एग्जांपल्स हल की थी, तो उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, अपनी मोल मोल रिलेशनशिप, मोल मास रिलेशनशिप लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं. इस तरह के और रिलेशनशिप भी हमने पढ़े थे. लेकिन यहाँ पर एक बात कीमती ये आती है कि एक और तरीकाकार भी है यील्ड लेने का, और वो ये है कि हम एक्चुअली में वो रिएक्शन परफॉर्म करें अपनी लैब में जो और रिएक्शन हम थियोरेटिकली कर रहे थे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेकर. मतलब अब दो तरीकेकार हो गए, यानी आप थियोरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी यील्ड मालूम कर सकते हैं. और अगर ये दोनों यील्ड हम मालूम कर लेते हैं, इनमें से एक भी काफ़ी है, बाज़ दफ़ा दोनों ज़रूरत हैं, तो ये अगर दोनों पता लग जाएं तो इससे हम एक बहुत ही अहम चीज़ पता चला सकते हैं, और वो ये है कि जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है उसकी एफिशेंसी क्या है, यानी एफिशेंसी ऑफ द वर्कर, के कितना अच्छा वो काम करने वाला है, कितना उसका तजर्बा है, वो किस तरह से रिएक्शन को डील करता है, ये भी बहुत अहम बात है. असल में होता ये है कि जब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से यील्ड निकालते हैं तो उसमें बिल्कुल आइडियल एनवायरनमेंट होता है. यानी ये रिएक्टेंट लिए, उनको आपस में मिलाया, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट बना दिए, और पता लग गया कि इतने रिएक्टेंट अगर ग्राम में थे या इतने मोल थे तो वो इतने प्रोडक्ट के मोल या ग्राम बना देंगे. That is called theoretical yield. लेकिन जब हम experiment करते हैं तो वहाँ पर मसाइल बढ़ जाते हैं. कैसे? वहाँ पर बीकर होता है, बीकर में कुछ ना कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं, उसको आप उंडेलते हैं, कुछ बीकर के साथ लगे रह जाते हैं. टेस्ट ट्यूब लेते हैं, कुछ इसे उबालते हैं, रिएक्टेंट्स की मकदार कम हो जाती है. फिल्टर करते हैं, फिल्टर पेपर में सोक हो जाती है. तो ये कुछ जगहों पर, जगह जगह पर क्या होता है, ज़ाया होती हैं हमारी अशिया, या कह लीजिए हमारे मटेरियल ज़ाया होते हैं. और जब प्रोडक्ट बनता है तो वो उतना नहीं बन पाता जितना कि हमने थ्योरेटिकली सोचा था. यानी प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली हमेशा जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे या यील्ड आएगी वो हमेशा कम होगी, और थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा होगी. तो ये आपने जहन में रखेंगे. यानी थ्योरेटिकल यील्ड इज़ ऑलवेज मोर देन एक्चुअल यील्ड. एक्चुअल यील्ड को आप एक्सपेरिमेंट यील्ड भी कह सकते हैं, और थ्योरेटिकल यील्ड को आप कैलकुलेटेड यील्ड भी बोल सकते हैं. मैं लिख देता हूं यहां पर. तो थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेटेड यील्ड, एंड एक्चुअल यील्ड इज एक्सपेरिमेंटल यील्ड. तो एक्सपेरिमेंटल यील्ड हमेशा कम होगी, क्योंकि क्या होगा, वहां पर ज़ाया होगी चीज़ें. अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो आपके लिए नुकसान का बाइस बन रहे हैं. समटाइम जो कोवर्कर है वो बड़ा इन एक्सपीरियंस है, अच्छा काम करने वाला नहीं है, नया नया है, अभी लैब में गया है, तो वो चीज़ें उंडेलते हुए, काम करते हुए और मूव करते हुए गिराता चला जाता है. इससे भी उसकी जो यील्ड होगी जितनी होनी चाहिए वो नहीं होगी, मतलब प्रोडक्ट कम बनेंगे. अब चाहते हो कि पता करो कि वो जो कोवर्कर है उसकी एफिशिएंसी कैसे निकाली जाएगी, कौन सा वर्कर, फॉर एग्जांपल चार वर्कर्स ने काम किया तो किस वर्कर ने अच्छा काम किया. तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी परसेंटेज यील्ड की. तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100. तो अगर आप ये करें, ऐसे जैसे आपने यूँ किया हो कि आपके हासिल करदा नंबर बटा कुल नंबर ज़रब 100, यानी परसेंटेज मार्क्स ऐसे निकालते हो ना, उसी तरह ये हमेशा ज़्यादा होंगे क्योंकि कुल नंबर ज़्यादा होते हैं, हासिल करदा नंबर यानी ऑब्टेंड मार्क्स कम होते हैं, और मल्टीप्लाई 100 करने से परसेंटेज आ जाती है. इसी चीज़ को आप एफिशेंसी भी बोल सकते हो, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर. तो आप एफिशिएंसी ऑफ वर्कर मालूम कर सकते हो. सपोज कीजिए अगर आपकी एक्चुअल यील्ड आ जाती है 90% और एक की आ जाती है 92%, इसका मतलब है वो अच्छा काम करने वाला है, उसकी परसेंटेज यील्ड अच्छी है. ठीक है, जैसे इस तरह एक बंदे के नंबर आए 50 बटा 100 इज इक्वल टू 50%, यानी उसके 50% मार्क्स आए, और एक ने ले लिए 70 तो उसके भी 70% नंबर आए. इसका मतलब ये है कि इस तरह आप एफिशिएंसी या परसेंटेज निकाल सकते हैं वर्कर की. एक एग्जांपल हमारी बुक में दी गई है, उस एग्जांपल को जरा एक बार देख लेते हैं. आपके पास लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आपने जला दिया. क्विक लाइम जिसको कहते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन. ये इक्वेशन है जी, ये आपने जलाया और ये प्रोड्यूस हुआ, ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है.
द एक्चुअल यील्ड, और जब आपने देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हुआ, 2.5 किलोग्राम। इनको ग्राम में चेंज कर लें क्योंकि हमारे पास जो यूनिट्स ज़्यादा यूज होंगे केमिस्ट्री में वो ग्राम्स में होंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2500 grams। ठीक है जी। When 4.5 किलोग्राम ऑफ लाइमस्टोन इज रोस्टेड, यानी कि आपने कितना लाइमस्टोन जलाया था ये भी बता रहा है, कहता है 4.5, इसको भी आप चेंज कर लें ग्राम में, ये बन जाएगा 4500 grams। तो ये आपके पास कन्वर्जन हो गई। एहतियात बरतिएगा, जहाँ ग्राम है वहाँ ग्राम रहने दीजिएगा, वरना किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है। आगे लिखता है वॉट इज परसेंट टेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन, परसेंटेज यील्ड बताएं। परसेंटेज यील्ड का फार्मूला है एक्चुअल यील्ड ओवर थियोरेटिकल यील्ड। अब एक्चुअल जो यील्ड है एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो आपको दे दी गई है, वो एक्चुअल यील्ड क्या है, एक्चुअल यील्ड है जी 2500 grams, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड मिला है 2500 ग्राम, जो कि एक्चुअल यील्ड है। अब एक्चुअल यील्ड तो हमारे पास आ गई, थियोरेटिकल यील्ड रह गई। अब थ्योरी के मुताबिक आप क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये कहती है कि कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास एक मोल है, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वजन इसके मोलर मास के बराबर होता है, यानी कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 पर 3 times, ये मिलाकर हो गया 100 grams। और इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में देखें तो कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16, ये बन गया 56 grams। अब आप ये देखें जो ग्रीन कलर में मैं कर रहा हूँ, ये थ्योरेटिकली लिख रहा हूँ कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताती है कि 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का 56 ग्राम देता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर 1 ग्राम होगा तो कितने देगा भाई, तो आप कहेंगे 56 divided by 100। लेकिन एक बात गौर कीजिएगा, वो कहता है जो कैल्शियम कार्बोनेट हमने जलाना है, यूज़ करना है, वो कितना करना है, 4500 ग्राम। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 4500 ग्राम अगर होता तो फिर कितना, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस रकम को, यानी 56/100 multiplied by 4500। इस तरह आंसर आपके पास आ गया कितना, 2520 grams। तो आप ये देख रहे हैं कि हमने ये क्या निकाली, थ्योरेटिकल यील्ड निकाली कि 100 ग्राम होगा तो इतना और 4500 ग्राम होगा तो इतना। अब देखें जी, एक्चुअल यील्ड भी आ गई, थ्योरेटिकल यील्ड भी आ गई, फार्मूले में लगा दें। फार्मूले में लिखा है एक्चुअल यील्ड इज 2500 ओवर थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है जी 2520। ये ज़्यादा है, ये कम है, ये हमेशा ज़्यादा होती है, ये हमेशा कम होती है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर क्या आया, 99.2%। ये है जी परसेंटेज यील्ड, और सवाल भी यहाँ पर हो गया ख़त्म। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लोगों को बता दें, और ख़ुद भी समझें, दूसरों को भी समझने का मौका दें। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।